है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम रियली सॉरी गाइस, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आज आपको थंबनेल देख के पता चल रहा होगा कि आज हम कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं, जैसे कि आदिपुरुष का एक यूनिक सा पोस्टर बनाएंगे, ठीक है, बॉबी ये सब स्टॉक को यूज़ करके। और आप देख सकते हो ये सब स्टॉक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कुछ टीजर से और कुछ ट्रेलर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, जो भी मुझे अच्छा लगा एक्शन टाइप का, जो भी मुझे अच्छा लगा वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये ट्रिक आपको अगर सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ भी मिस करें और आप लोग भी मेरे जैसे इंटरेस्टिंग पोस्टर वगैरह बना सके, ठीक है। और चैनल पे अभी जो लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर में बहुत सारा ऐसे ही यूनिक सा पोस्टर डिजाइनिंग और क्रिएटिव मैनिपुलेशन आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, ठीक है। और गाइस प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। और हाँ, शेयर जरूर करना अपने दोस्त लोग के साथ, ठीक है। तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, ये भी इंस्टाग्राम के साइज़ के हिसाब से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हमारे राम जी जो कि हमारा प्रभास सार है, उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी कट कर चुका हूँ क्योंकि बहुत टाइम ना लगे। और उसके बाद ये बाकी का जो भी बैकग्राउंड पर स्टॉक है उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो मॉडल है मॉडल के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये वाला स्टॉक यूज़ किया। और उसके बाद ये वाला स्काई भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यह जो हमारा वानर्स है ना उनको पहले रिमूव करना पड़ा, उसके बाद ये वाला स्काई को हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्काई बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रामेटिक और सिनेमेटिक लुक लग रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का हल्का रेस करेंगे, बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे, ओके। और यहाँ पर बैकग्राउंड पर जो भी ऑलरेडी हमने ऐड कर चुके थे जो बैकग्राउंड, उसको हम थोड़ा बहुत कलर करेंगे, बैकग्राउंड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो राम जी उनका जो हेयर है यहाँ पर आधा कटा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसको हम जाएंगे लिक्विफाई पे, ओके। और उसके बाद इसको थोड़ा बहुत हम यहाँ पर ऊपर की ओर करेंगे, मतलब शेप देंगे हेयर के जैसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारा जो रावण है, सैफ अली खान है जो करेक्टर है, उनको ऐड करेंगे। ये वाला पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, जो कि हम मैं नीचे ऐड किया हूँ। और जो भी मेरा जो दूसरा कंसेप्ट है, जो लोग देखे हो और नहीं देखे तो चेकआउट कर लेना, शायद मैंने विकिंग के ऊपर बनाया था वो वाला, सेम कुछ इस टाइप का ही है थीम, तो मैंने उसको इंस्पायर होकर ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर किया, हमारे जो मॉडल है राम जी हैं उनको भी थोड़ा बहुत कलर कोडिंग किया और बैकग्राउंड के साथ मैच किया, ठीक है। और उसके बाद अभी ऐड करने वाले हैं हमारा जो लक्ष्मण जी हैं, उनको ऐड करेंगे उनके पीछे, ठीक है, और भी अच्छा लुक आने के लिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर रहा हूँ फॉग को, थोड़ा बहुत लाइट दे रहा हूँ, क्योंकि और भी अच्छा रियलिस्टिक लुक आएगा। और ज़्यादातर लोग जानते होंगे मूवी पोस्टर में ऐसा ही लुक आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे सीता जी हैं, उनको ऐड करेंगे हमारे जो क्विक टूल के मदद से, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बड़ा करके बैकग्राउंड पर फिट कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे और थोड़ा हल्का सा ओपेसिटी कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी अच्छा लुक आने के लिए। और उसके बाद हमारा ऐड करेंगे हमारे जो हनुमान जी हैं, उनको ऐड करेंगे, थोड़ा सा छोटा करके बैकग्राउंड पर ऐड करेंगे। और मैं दिखाना चाहता था कि थोड़ा दूर से ऐसे दिखे, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा दूर पर रख लिया छोटा करके, ओके। और थोड़ा बहुत हाईलाइट भी दे रहा हूँ बॉडी पर, क्योंकि यहाँ पर लाइट ऐड करने वाला हूँ लेफ्ट साइड पर, वो लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, वो लाइट वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे बाकी का जो वानर सेना है, उनको ऐड करेंगे अभी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि और भी अट्रैक्टिव लुक आने के लिए, थोड़ा ग्लो आने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी का जो वानर सेना है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पर भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत डार्क करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डार्क करके थोड़ा बहुत ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, क्योंकि और भी अच्छा लगे, रियलिस्टिक लुक लगे, ठीक है। और बाकी का जो भी हमारा वानर सेना है, जो भी मैंने कॉपी किया था, कट किया था, उसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये फ्लेयर को, और यहाँ पर अभी लाइट देंगे, ये वाला जो ऑरेंज कलर है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक साइड राइट साइड पर ब्लू है और लेफ्ट साइड पर मुझे चाहिए था ऑरेंज वाला, जो कि ज़्यादातर हॉलीवुड मूवी के पोस्टर वगैरह में ऐसा लुक होता है, तो वैसा चाहिए था। तो वो मैं इसको यहाँ पर उसको इंस्पायर होकर थोड़ा बहुत ऐसे कलर किया, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का भी यहाँ पर ब्रश कर रहा हूँ, ज़्यादा हमको कलर नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कलर चाहिए था। तो यहाँ पर उसके बाद इसको करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे बाकी का जो भी हम हमारे जो वॉनर्स है ना उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर बैकग्राउंड पर ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा बहुत यहाँ क्या बोलते हैं इसको जो हमारा जो धनुष है, धनुष का जो बाकी का पार्ट है उसको हम यहाँ पर पेन टूल की मदद से इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि फीका फीका लग रहा था हमारा जो राम जी का हाथ में कुछ खाली खाली लग रहा था, उसको हम फिल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर धनुष का जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको जो भी उसका पार्ट है उसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर मैच करेंगे, क्योंकि जो भी जहाँ पर हम कॉपी किए थे सेम टू सेम कलर मैच करना है, तो थोड़ा बहुत डार्क करेंगे और उसके साथ मैच करेंगे कलर को, ठीक है। और मैच करने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके एक एक करके यहाँ पर हम फिट कर लेंगे, सीधा धनुष पर फिट कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया। और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हाईलाइट करने से और भी अट्रैक्टिव लुक आएगा। थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसको हमारे जो सीता माँ हैं उनके आंसू में थोड़ा बहुत मतलब कि आँख में आंसू देना जैसा इफेक्ट देना है। और मैं जो एक पोस्टर देखा था वहाँ पर थोड़ा बहुत आंसू निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करें, तो मैंने यहाँ पर अपने ग्राफिक्स टैबलेट के मदद से यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, आंसू बनाया खुद के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्लेयर ऐड करने वाले हैं, और जैसे कि ट्रेलर और टीज़र में देख सकते हो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है, जैसे कि धनुष पकड़ते हुए थोड़ा बहुत ऐसे लाइट आता है, ऐसा इफेक्ट के लिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ। और इसका कलर मैंने सेम टू सेम यहाँ पर जो ऑरेंज वाला कलर था उसको कलर कर लिया ऑरेंज वाला, ओके। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्ट है ना वो भी और भी अच्छा लुक आने लगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे, क्योंकि कलर ग्रेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोटो का लुक देने के लिए कलर ग्रेडिंग। अब देख सकते हो मैं बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार कोशिश करने के बाद ये अच्छा पोस्टर का लुक आया था, ठीक है, मतलब कि अच्छा कलर ग्रेडिंग आया था, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पर जो उसका कलर को लुक आने के लिए, मतलब कि मूवी के हॉलीवुड लुक आने के लिए। मुझे हॉलीवुड लुक वाला थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ऐड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बिना फ़ोटो अधूरा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने पार्टिकल्स यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का हल्का ग्लो किया, जो भी मुझे अच्छा लगा वो पार्ट पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा ग्लो किया, ओके। और उसके बाद यहाँ पर अभी बाकी है ऐड करना यहाँ पर जो क्रेडिट का जो क्रेडिट वगैरह और उसका टाइटल, ठीक है, उसका जो फॉन्ट है। तो मैंने ये वाला पुराना वाला अच्छा लगा तो उसको ही मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नया वाला अच्छा है नया वाला, फिर भी मुझे पुराना वाला बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। और उसके बाद जो भी हमारा जो पार्ट है क्रेडिट का जो भी नेम वगैरह है सब कुछ, नेम और जो भी लोगो वगैरह है सब कुछ हम अभी ऐड करते जाएंगे। सो गाइस, ये सब हो गया, थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग भी कर रहा हूँ, और ये सब करने के बाद फ़ोटो कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, और भी अच्छा लुक आ रहा है फ़ोटो को। और आप भी ऐसे पोस्टर बना सकते हो, और इसको डिटेल्स में देखने के लिए आप लोग मेरे इंस्टा पर जाकर फ़ोटो देख सकते हो, मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।